हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ चैप्टर सेवन्थ। चैप्टर सेवन्थ क्या है हमारे पास? ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स का चैप्टर है, इनका बेसिक करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रेंगल में हमारे पास आ रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स। ट्रेंगल क्या है? सिंपल, अ पॉलीगन विथ थ्री साइड्स। ट्रेंगल की क्या डेफिनेशन होती है? अ पॉलीगन विथ थ्री साइड्स, थ्री स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिसमें, दैट इज़ अ ट्रेंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दो चीज़ होती हैं हमारे पास। एक चीज़ होती है सिमिलर और एक चीज़ होती है कॉन्ग्रुएंस। तो सिमिलर का मतलब क्या है? टू थिंग्स आर सिमिलर व्हेन देयर शेप इज़ सेम। जब शेप सेम है और तो हम उसे कहते हैं सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है व्हेन शेप इज़ सेम एंड साइज इज़ ऑल्सो सेम। शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें साइज़ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, साइज़ कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो सेम शेप है तो सिमिलर है, सेम शेप और सेम साइज़ है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी में अब हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी। सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आ रही है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देन वी राइट इन शॉर्ट CPCT, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। इस CPCT वर्ड का हम 99% यूज़ करेंगे इसमें, जहाँ पर भी हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। कैसे? कोई भी आपको दो ट्रेंगल दे रखी हैं, आपको सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे दिखाते हैं? जैसे कोई भी आपने दो ट्रेंगल ले ली, तो आपको दिखाना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब, यहाँ ट्रेंगल ले ली हमने ए बी सी, यहाँ ट्रेंगल ले ली डी ई एफ, तो ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, और इधर से सी ए इक्वल टू डी एफ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। इसी तरह ए डी के इक्वल, बी ई के इक्वल और सी एफ के इक्वल, ये हम क्राइटेरिया आएगा हमारे पास, ए एस ए, ए एस और SSS RHS, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब, यहाँ ए बी ले रहे हैं तो यहाँ डी ई लेने हैं, ए सी ले रहे हैं तो डी एफ, बी सी ले रहे हैं तो ई एफ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। ये आगे जैसे ही आएंगी डेफिनेशंस उनसे क्लियर हो जाएगा। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स, ट्रेंगल की कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरिया, यानी कब कब वो कॉन्ग्रुएंट होती है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया आ रहा है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रेंगल आर इक्वल टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी जब आप टू साइड्स, इनकी दो साइड इक्वल हों एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल देन अदर वन। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर, इसकी दो साइड इक्वल है। यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या है? पी क्यू। बी सी इक्वल टू क्या है? क्यू आर। और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल, इसका इंक्लूडेड एंगल 50, इधर से इसका इंक्लूडेड एंगल भी 50। तो रूल क्या बन गया? SAS, साइड एंगल साइड रूल। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर यहाँ 50 की बजाय सपोज इसने यहाँ 50 दे दिया, तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा इन दोनों की, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। या 2 सेंटीमीटर इसने यहाँ दे रखा है, इधर यहाँ ना लेकर हम यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों और उनका इंक्लूडेड एंगल, दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो कॉन्ग्रुएंस होता है। इसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड रूल। ये थी एग्जाम 7.1। नेक्स्ट आ रहा है ASA, कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। इसको ASA को आप AAS भी कर सकते हैं। इफ टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रेंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर। अगर किसी एक ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हैं, जैसे आपको ये दो ट्रेंगल दे दी, इसका ये एंगल 60, इधर से ये 60, ये 45, ये 45, और इनकी इंक्लूडेड साइड, साइड कौन सी होनी चाहिए? इंक्लूडेड, यानी इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो भी आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बाय विच रूल? ASA, एंगल
साइड एंगल। ये ऐसा हो कि यहाँ 4 है, इधर से यहाँ 4 दे दे तो नहीं होगा, यहाँ 45 है, यहाँ 45 की बजाय यहाँ 45 दे देगा तो भी नहीं होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो ASA रूल लगता है और ट्रेंगल्स दोनों कैसी हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है हमारे पास ASA में हम AES भी बोल सकते हैं इस रूल को, यानी A एंगल इक्वल साइड, दो एंगल कोई भी दो एंगल इक्वल हो और कोई भी साइड इक्वल हो, यानी इंक्लूडेड हो तब भी चलेगा और इसमें एक कंपल्शन नहीं है, इंक्लूडेड ना हो साइड कोई और भी हो तब भी ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, इसको हम AES भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये थी 7.1 की। 7.2 में फर्स्ट थ्योरम आ रही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रेंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रेंगल, आइसोसेलिस ट्रेंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी कैसे होंगे इक्वल। सपोज ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है सी, इधर से ए सी के अपोजिट क्या है एंगल बी, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलिस ट्रेंगल का मतलब दो साइड इक्वल, तो कोई भी दो इक्वल हो सकती हैं। सपोज ये दो इक्वल ले ली मैंने, यहाँ ए सी और पी सी इक्वल है, तो ए सी के अपोजिट एंगल है बी, बी सी के अपोजिट है एंगल ए, तो ये इक्वल होंगे। यानी अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। ये थी थ्योरम 7.2। नेक्स्ट इसी का कन्वर्स है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। सपोज ये बी और सी दोनों 50 डिग्री दे दिए, तो बी के अपोजिट क्या है ए सी, सी के अपोजिट क्या है ए बी, तो ये भी इक्वल होंगी। यानी दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, इसी तरह दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम 7.3। नेक्स्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, थ्योरम 7.4। कॉन्ग्रुएंसी के दो रूल आए थे, ये थर्ड वन है। इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रेंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रेंगल देन टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किसी की तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रिपल एस रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। जैसे इसकी हैं 3.5, 4 और 4.5, 3.5, 4 और 4.5, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं इस ट्रेंगल की और इस ट्रेंगल की, तो बाय ट्रिपल एस 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 ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS में क्या है, इफ़ इन टू राइट ट्रेंगल्स R मीन्स राइट, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, S मीन्स साइड, तो इफ इन टू राइट ट्रेंगल्स R मीन्स राइट ट्रेंगल्स, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रेंगल देन ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो RHS रूल क्या है, दो आपकी ट्रेंगल दे रखी है राइट एंगल ट्रेंगल, कोई भी दो राइट एंगल ट्रेंगल दे रखी है, तो उसमें जैसे ये दे दिया आपको ए बी सी और ये दे दिया आपको डी ई एफ, दो राइट एंगल ट्रेंगल हैं और उसमें क्या है हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस का मतलब ए सी इज इक्वल टू डी एफ होना चाहिए, और एस एस का मतलब कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाए और ए बी इक्वल टू डी ई हो जाए, यानी एक हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड आपस में अगर इक्वल है, चाहे बेस बेस के इक्वल हो चाहे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की इक्वल हो, ये अगर कंडीशन है तो भी ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय आर एच एस, आर राइट, एच हाइपोटेन्यूस, एस साइड्स, तो बाय आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। तो अब एक बार रिपीट कर रही हूँ क्या क्या रूल आए थे हमारे पास। सबसे पहला रूल क्या आया था हमारे पास, एस ए एस, यानी दो साइड इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और इनका इंक्लूडेड एंगल, दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, तो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर आया था हमारे पास ए एस ए। ए एस ए में क्या था, एक एंगल फिर एक साइड और फिर दूसरा एंगल, यानी साइड इंक्लूडेड है और दो एंगल इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंसी है। इसी रूल को इसने ए ए एस भी बना दिया था। ए ए एस का मतलब क्या है आपके पास,
कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है और कोई भी साइड, यानी ये इंक्लूडेड भी हो सकती है और इंक्लूडेड नाउ ये भी हो सकती है, इधर से ये भी हो सकती है, कोई भी साइड इक्वल हो तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगी। फिर आया था हमारे पास ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रिपल एस में क्या था, किसी भी ट्रेंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और इधर से ये इसके इक्वल है, तीनों साइड इक्वल हैं तब कॉन्ग्रुएंस है। फिर आया हमारे पास आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इन राइट टू राइट ट्रेंगल्स इफ हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड एनी वन ऑफ द साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, देन ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये थे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 7। फिर हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।